मेहनत कर रही है, जोर लगा के कुछ ऐसी ड्यूटी है जो मुझे नजर आई, इसलिए मैंने इंडस्ट्री छोड़ी, क्योंकि मेरे जैसा व्यक्ति मुझे लगता है ये काम हो सकता है। पटेल जी, आपका सवाल बहुत जेन्युइन है और बहुत रियल सवाल है, और इस सवाल का जवाब अपने अपने एक्सपीरियंस के अनुसार हर व्यक्ति अपने अनुसार देगा, लेकिन जो मैंने सीखा है अपने जीवन में जो समझा था वो ये है कि अगर समाज किसी चीज के प्रति नेगेटिव है तो 100% हम उसको नेगेटिव बता देगा, क्योंकि मुझे जीवन में सिखाया गया है या मैंने अपने जीवन के एक्सपीरियंस को अपने मन में देखा है कि समाज इंसान को बनाता है, समाज इंसान को बनाता है। अगर समाज की सरकार के प्रति पॉजिटिव है तो आप सरकार बना देता, समाज अगर किसी सरकार के प्रति नेगेटिव है तो सरकार को गिरा देता। अल्टीमेटली कामयाबी की जो वजह है, हर सक्सेस की जो वजह है वो समाज है। समाज चाहे तो किसी को सेवा देता है, समाज चाहे वो कर देता, समाज चाहे तो किसी जीवन को रिस्क कर देता है, समाज चाहे वो कर देता। इसका मतलब सब कुछ तो समाज ही है। अब समाज डायरेक्टली को लेकर नेगेटिव है, बिल्कुल अपनी जगह सही है और सही कह रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि डायरेक्ट ट्रेनिंग में कुछ ना कुछ ऐसा होता होगा जिससे लोग नेगेटिव है। तो मेरे पास भी उसके लिए एक छोटे से मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगा। डायरेक्ट ट्रेनिंग तो बदली का होता है, जिसको लोग सोचते हैं कि कुछ अलग भी करते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। समाज क्यों नेगेटिव है, इसका आप जिस क्वेश्चन का आंसर मेरे थोड़ा डायरेक्ट ट्रेनिंग का एक्सपीरियंस मैं दोनों से करूंगा तो आपको मैं आगे बढ़ जाऊंगा। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री जो है ये कोई स्पेशल इंडस्ट्री नहीं है, कुछ अलग नहीं है, तो बेचने का तरीका एडवांस टेक्नोलॉजी से जैसे दुनिया में पहले कैसे दिखता था, एक आदमी दुकान खोलता था, खुद आप आता आदमी भी खेलते बारह घंटों में दुकान के अंदर आगे माल बेचते निकल जाता था, उसी गली उसी मोहल्ले में दिखता था जहाँ उसकी दुकान थी। फिर किसी व्यक्ति ने एडवांस आ गया, एडवांस देता गया, फ्रेंचाइजी खोल सकता, पूरी दुनिया में फ्रेंचाइजियां खोल दी, उसका माल एक जगह देखिए पूरी दुनिया में कुछ नहीं लगा। फिर एक आदमी आगे आया कि यार मैन टू मैन ट्रेनिंग हो सकती है, मैन टू मैन भी आदमी आदमी को जो खेल सकता है, मैन टू मैन भी आदमी किसी को प्रमोट कर सकता है, उसको कैसे डाइट करें मैन टू मैन। तो जो मैन टू मैन ट्रेनिंग है इसका होता है उसका प्रमोटर का रिस्क है, आज जिस आदमी ने बैठा है उसने कितने हो रहा है उसने रिकॉर्ड भी इसलिए रहा है प्रोडक्ट की वजह से प्रोडक्ट बेचने के लिए बनाया था, कुछ ऐसे करने के लिए नहीं बनाया कि देखो तुम्हें देखो हवा देखो तुम्हें फ्रेंचाइजी कितना दुखता प्रोडक्ट आपके का दुखता प्रोडक्ट बाहर करने में क्या दुखता हो। तो उसने एक इंडस्ट्री बनाई कि जहाँ पर एक आदमी प्रोडक्ट खरीदेगा अगर उसका प्रोडक्ट अच्छा लगेगा तो उसको स्टोर करेगा ना कि बेच देगा, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग के अंदर एक नए नहीं आते एमबीए बीबीए करे और मार्केटिंग वाले लड़के नहीं आते। डायरेक्ट सेलिंग में समाज का एक आम आदमी आता है, एक जुड़ा भी हो सकता है, एक माँ भी हो सकती है, बहन भी हो सकती है, एक मनुष्य भी हो सकता है, उसने कोई मार्केटिंग की इतनी नहीं थी, मार्केटिंग नहीं थी, उसका नहीं पता प्रोडक्ट को बेचना है। तो डायरेक्ट सेलिंग को बिजनेस बनाता है, सेलिंग बिजनेस बनाता, सेलिंग बिजनेस नहीं बनाता, बिल्कुल इंडिया के अंदर उन्होंने शुरुआत करी, बहुत अच्छा रिकॉर्ड इंडिया में लगा, मतलब गाँव गाँव लोग डायरेक्ट में अब जब ये रिपोर्ट उन कंपनियों को मिला तो पता लगा कि हाँ हिंदुस्तान के अंदर बहुत बड़ा पोटेंशियल है,
लेकिन दस दिन का तो बहुत लगेगा, एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। लेकिन आपको पता है कि आपने किसके साथ एक नकली किस्सा बना के, हाँ ओरिजिनल के साथ डुप्लीकेट पर्सन जरूर आता ही आता है। तो जो ओरिजिनल सोर्स जो है लेके आए कंपनी में, अगर आपको वो नाम दे देना चाहो जो कंपनी दिया थी, एक इंडिया की एक बात जो है किसी का डायरेक्ट करने को कहेंगे अच्छे प्रोडक्ट के साथ। अब जिन लोगों ने देखा कि इन कंपनियों की इतना पोटेंशियल है, उन कंपनियों में इतने लोग जुड़ने लग गए, एक मौसम बच गया, क्या जीता गया, पैसे कमाने का धंधा आ गया, तो फिर डुप्लीकेट लोग मांग लेना। तो डुप्लीकेट लोगों ने चीज देखी, एक उन्होंने आइडिया लिया या कैपिटल मार्केट का सर्वे किया कि हिंदुस्तान में तो पैसा कमाने का तरीका दे दो कई लोग जुड़ जाए। उन लोगों ने क्या किया, उन लोगों ने कुछ कंपनियों का टीका देखो, एक भारतीय कंपनी है कि 47 की थी, 80,000 का टीका 2002 में। तो हमारे इंडिया के लोगों ने कहा जो इंडिया के जो डायरेक्टर बने हैं, गुजरात में कंपनियां बनी, कि आज से जो है 2001 में जमाने में, तो इसका मतलब हिंदुस्तान में लोग कुछ भी खरीद सकते हैं, क्योंकि हिंदुस्तान की मजबूरी, हिंदुस्तान में अनएम्प्लॉयमेंट बढ़े एक बात, और हिंदुस्तान इमोशनल कंट्री है ना, रिलेशन दिखते हैं, रिश्ते दिखते हैं, प्रोडक्ट नहीं दिखते। तो उन लोगों ने क्या किया कि उसी डायरेक्ट करनी शुरू हुई थी, अच्छे प्रोडक्ट बेच के अच्छे पैसे कमाने की ड्राइविंग इंडस्ट्री जो शुरू हुई थी, उन्होंने उसको हेड हटाया और कुछ भी हवा ले आए, कोई ऑनलाइन कंप्यूटर एजुकेशन ले आया, कोई वेब स्पेस ले आया, कोई कपड़े ले आया, कोई कपड़े ले आया, ऐसे ऐसे प्रोडक्ट लेके आए जो किसी के काम के नहीं थे। और फिर उन्होंने लोगों के इमोशन और रिलेशन के कागज को उन्हें बेचा और कंपनी को पैसा बनाया। लेकिन वो पैसा कंपनी में लीडर बनाते गए तो समाज के बहुत बड़े वर्ग को नेगेटिव करते गए। एग्जाम्पल, आपने किसी ऐसी कंपनी में जो है जिसके प्रोडक्ट नो नीड नो यूज नो वर्क के, ना आपके काम के हैं ना आपकी जरूरत के, दुनिया की कोई भी सार्वजनिक कंपनी है अगर 16 डॉक्टर नहीं पाएगी तो काम कर नहीं सकते। क्या हमारी कंपनी में जुड़े, क्या हृदय में जुड़े, क्या मोदी केयर में जुड़े, क्या रेस्टेट में जुड़े, कितनी भी कंपनियों में जुड़े, काम कर नहीं सकते। 90 लोग सिर्फ प्रोडक्ट के लिए होते हैं। तो उन कंपनियों में जिन्होंने सिर्फ अलग होते का धंधा बनाया, लोगों के रिश्ते देश को पैसे कमाने की सोच बनाई, रिलेशन के साथ खेला, लोगों के साथ खेला, उन कंपनियों के प्रोडक्ट जब दो लोगों को बेचे गए तो जो 90 लोग थे ना जिन्होंने एक सेगमेंट में खरीद लिए, और जो लोग पहले तुमसे काम करने आए ना तो उन्होंने काम को खरीद लिया, और फिर गाड़ी देनी शुरू करी उस व्यक्ति को जिसने हमको वो प्रोडक्ट दिया था।
I'm going to go to the next one.
Thank you.
कंपनी बनाने का कोई मतलब नहीं था। ये कंपनी मैं कह सकता हूँ कि चाहूँ तो मेरी मजबूरी है। आपने जो बताया उसको तो जो ये इसका नाम उसको हम नहीं बोल सकते। हम ये बोल सकते हैं कि लोगों के बारे में आपने सोचा और आपके मन में ऐसा हुआ कि खुद क्या कमाना, कामयाबी तो रियल हुआ है कि अपने साथ आए हुए लोग आगे बढ़े, उसके वजह से आपने ये डिसीजन लिया। बिल्कुल सर, ऐसा है। एक सवाल सर है कि इतना आपने रिसर्च किया, पहले मैं आप बता रहा हूँ कि डेढ़ दो साल आपने गैप दिया, उसके बाद रिसर्च किया, आपको कोई कंपनी अच्छी नहीं मिली,
कुछ कमी कहीं कमी कहीं कमी कुछ मिली उसके बाद भी आपने कंपनी खोलने का रिसर्च किया। मुद्दा यह है कि उतना रिसर्च करने के बाद ऐसा कौन से खासियत और वजह दिखाई दी जिसकी वजह से आपने वेलनेस इंडस्ट्री का चुनाव किया और वेलनेस इंडस्ट्री ने भी खास कर आयुर्वेदा को चुना, इसके पीछे की कोई वजह? ये आपने देखा कि इतना रिसर्च करने के बाद वेलनेस इंडस्ट्री को ही चुना और इसके पीछे भी बहुत सारे वजह थी और आयुर्वेद की आपने सही बताया था कि आज पूरा हिंदुस्तान हमारे देश के प्रधानमंत्री जी भी आयुर्वेद को प्रमोट कर रहे हैं। सर आगे सवाल है, नीतीश कुमार जी है एक राजेंद्र कुमार जी है, ये पूछना चाह रहे हैं कि ये प्रोडक्ट हम जिनको भी देते हैं वहां से हमें बहुत ज्यादा दुआएं मिलती हैं और लोगों के घर में जब जाते हैं तो लोग भगवान की तरफ पूछते हैं, जैसा कि आपको किसी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर किसी डायरेक्ट सेलर को पूछा नहीं गया, इनका लेकिन सवाल ये बोल रहे हैं कि सवाल आ रहा है कि प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कंपनी शुरू शुरू में ग्रोथ करने के लिए प्रोडक्ट अच्छे दे और जब थोड़े दिन के बाद कंपनी बड़ी हो जाए उसके बाद इसके रिजल्ट कम कर दे? नहीं, सवाल ये है कि क्या कारण जो है कि जिंदगी में ऐसे रिजल्ट रहेंगे? देखिए
75 रुपीज है
75 रुपीज हमारी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है तुलसी की, तो मैं 308 में बेच रहा हूँ। लोगों की तुलसी 20 रुपए में गुड पैकिंग बन रही है। आप पूरे इंडिया की किसी भी सप्लायर से ले लो, 20 रुपए में डब्बा पैक करके तुलसी दे देगा। मेरी तुलसी की कॉस्टिंग है ना वो 75 रुपए है, वो कोई भी आगे बेच सकता है। वो अब क्यों है, अब बाजार की तुलसी के 10 बूंद और मेरी तुलसी का 1 बूंद। तो सर या तो लोगों को लूट लो, बेवकूफ बना लो, या ईमानदारी से काम करना है तो फिर पैसे तो रखने ही पड़ेंगे। अब 75 की तुलसी और 25 की तुलसी में 5 गुना का फर्क हो गया, मेरे पास 3 गुना का। तो मैं सर्वाइव कैसे करता हूँ क्रेडिट को बेच के? अगर आप चाहते हो क्रेडिट को बेचू तो मुझे कचरा बनाना पड़ेगा, मुझे पानी बनाना पड़ेगा, घटिया प्रोडक्ट बनाने पड़ेंगे, वो मैं समाप्त कम तक नहीं बना सकते। तो सबसे महंगा सबसे अच्छा। तो आपने बहुत बढ़िया बताया, मुझे नहीं लगता कि आप हिंदुस्तान में क्या और पूरी दुनिया के अंदर किसी कंपनी का मालिक किसी कंपनी का एमडी इतना खुल के मतलब सारे अंदर से आप किसी को बता दें लाजवाब होता अपने आप में। और दूसरा आपने जो प्रोसेस बताया कि हम अरे भाईकाल जी, 500 रुपए का प्रोडक्ट भी महंगा अगर काम करनी है तो अब हमारा पेज 199 का दुनिया 50-50 रुपए में लेके आ गई। अभी 50 रुपए में तू रेट मिला के पेज बेच रहा है, क्या मतलब है उसका? कोई काम तो करे डॉक्टर के लिए, वो 50 ही बेकार है ना, 500 रुपए बेकार है सर। अगर काम करने देखो पैसा पैसा ही होता है, अगर उसको यूज में आ गया तो पैसा वसूल हो गया, अगर यूज में आया तो कम पैसा भी देखा। सर किसी के घुटने का दर्द है, 15,000 रुपए में ठीक हो गया 1.5 लाख की बजाय, प्रोडक्ट महंगा रहा तो उसका रहेगा। किसी का हार्ट का ब्लॉकेज खुल गया 20,000 रुपए का हमारे प्रोडक्ट लेके, प्रोडक्ट महंगा रहा सस्ता रहा। किसी का 90% लीवर खत्म है, वो हमारे प्रोडक्ट से लीवर टेस्ट से ठीक हो गया, प्रोडक्ट महंगा रहा सस्ता रहा। अगर देखा जाए तो दुनिया का सबसे सस्ता प्रोडक्ट है ना वो के पास है, जो लाखों का काम मात्र चंद रुपयों में लोगों का हो जाता है। तो दुनिया का सबसे अच्छा और लोगों के लिए सबसे सस्ता प्रोडक्ट अगर मैं कहूँ तो अपनी जिसके पास है। आंकने का तरीका एमआरपी नहीं है, आंकने का तरीका रिजल्ट है। एमआरपी से आंकोगे तो भैया फिर तो कुछ भी कचरा खरीद लो, मार्केट में रोज लोग आ रहे हैं, कुछ ना कुछ बना देगा। बिल्कुल एक मरीज महिला जी है जो पूछना चाह रहे हैं कि हम डॉक्टर नहीं है ना, हमारे पास डॉक्टरी का कोई लाइसेंस है, क्या बिना लाइसेंस के हम प्रोडक्ट को फॉलो कर सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हो, धुआंधार दे सकते हो। ओटीसी प्रोडक्ट होते हैं, ओवर टू काउंटर प्रोडक्ट दो तरह के होते हैं, प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स होती है, प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन होती है, ओटीसी होती है। जैसे जीको वगैरह बनती बजार में आप खरीदने जाओगे तो उससे भी सेफ आयुर्वेदिक प्रॉपर्टी मेडिसिन मिलेगा, जिसे हर परचून का दुकानदार बेच रहा है। अब परचून का दुकानदार डॉक्टर तो नहीं है। च्यवनप्राश आप कंपनियों को लेने जाओगे तो उससे सेफ आयुर्वेदिक प्रॉपर्टी मेडिसिन मिलेगा, जिसे हर एक दुकानदार बेच रहा है, हर गली मोहल्ले का दुकानदार बेच रहा है, अब वो डॉक्टर तो नहीं है। ओटीसी कैटेगरी का प्रोडक्ट कोई भी किसी को भी प्रमोट कर सकता है भारत सरकार के कायदे और नियम के अनुसार। हाँ, जो प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स है जैसे वटी है, भस्मे हैं, उस तरह के बहुत से प्रोडक्ट आयुर्वेद में होते हैं जो हम लोग नहीं बनाते, उन्हें हम कहेंगे क्लासिकल मेडिसिन। क्लासिकल मेडिसिन दोस्तों हम प्रमोट नहीं कर सकते, सेफ आयुर्वेदिक प्रॉपर्टी हम सब प्रमोट कर सकते हैं और पूरी हिंदुस्तानी सारी कंपनियां कर रही है, ये सब आपके सामने। ओवर टू काउंटर इसको कहते हैं ओटीसी प्रोडक्ट। जी सर, यहाँ पर मैगी हम किसी को भी अपने प्लान के बारे में जो बताते हैं तो सामने वाला जो करे ना करे, किसी को 5 साल का एक्सपीरियंस हो, 10 साल का एक्सपीरियंस हो, फिर एक चीज को सल्यूट करके जाता है कि उस आदमी को सलाम करता है जिसने आदमी ने प्लान बनाया। मतलब लोग बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है प्लान को, वो एक चीज बोलते हैं कि प्लान नहीं है, ये हिंदुस्तान भारत सेलिंग की कंपनियों का निचोड़ का एक प्लान है। मैं ये जानना चाहता हूँ का आपके दिमाग में क्या है? जिसने किया होगा कर्म उसको ही पता होंगे अपने धर्म। तो मैंने कर्म किए थे, डायरेक्ट सेलिंग की थी, मैं कोई वो तो नहीं हूँ इंडस्ट्रीज की आगे सीधा डायरेक्ट सेलिंग कंपनी खोल ली, तो जो दर्द जो तकलीफें मुझे हुई थी, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लोग पैसे कमाते थे तो जितने आते थे उतने खर्चा हो जाता था। दो दो साल तक हमारे घर वाले पूछते थे भाई क्या कमाया, तो हम बोलते थे अरे जाओ आने वाला है, ना तो वो कभी आया ना हम कभी रुके, तो आखिर में घर वाले नेगेटिव हो जाते थे, परेशान हो जाते थे। क्योंकि देखो एक डायरेक्ट सेलर का खर्चा तो होता है, इसमें कोई डाउट नहीं, खर्चा तो होता है। आपने दिवाली बोनस सुना है? मतलब आदमी पूरी साल की तनख्वाह को इतनी वैल्यू नहीं देता जितनी दिवाली बोनस से देता है, और दिवाली बोनस से वो बच्चों के 100% गिफ्टें लेके आता है। बस यही मैंने सोचा कि एक जो हम सेल्स इंसेंटिव देते हैं यार, ये तो खर्चा हो जाए लोगों का, पर सेल्स परफॉर्मेंस बोनस बच जाए लोगों का, बोनस बच जाए, तो आज हमारी कंपनी में क्या 300 की टीम भी बनाता है ना तो 1.5-2 लाख घर दे देता है। तो आज हमारी
कंपनी की ग्रोथ का कारण क्या है कि घर वाले बच्चों के साथ आते वो कहते हैं वाह बेटा छह महीने में तुम्हें 2 लाख दे दिए, 6 महीने में 1.5 लाख दे दिए, और जहाँ हम काम करते थे सर हम 2-2 साल 2 रुपए नहीं दे पाए। उल्टा हमारी तो बीवी ये कहती थी कि बर्बाद करने के लिए तुमने काम शुरू किया है, क्योंकि हमने अपना फंड में निकाल के लगा दिया था। तो ये कारण है। दूसरा आपने फैमिली ट्री वगैरह सर वो देखे ऐसा है, वही बात है जिसने की कर्म वो जानता तकलीफ है। जब हम रात को काम करके 12 बजे आते थे तो खाना गर्म बीवी देती थी, बस जब हम उठते थे बच्चे स्कूल चले जाते थे, तो कहीं ना कहीं फैमिली का बहुत बड़ा रोल होता है। अब हमें तो कंपनियां घुमा रही है, थाईलैंड जाओ, दुबई जाओ, स्विट्जरलैंड जाओ, फलानी जगह जाओ। अरे भाई परिवार तो सबसे बड़ी ताकत है, जो हम आज उन्हीं की वजह से, तो उन्हें भी तो घुमाना बनता है। तो देने को तो मैं एक टिकट भी दे सकता था, लेकिन मैंने 4 टिकट दी बिकॉज ऐसी बिजली फैमिली कंपनी। तो आज जब हमारे लोगों के माँ बाप घूम के आते हैं, बीवी बच्चे घूम के आते हैं, तो उन लोगों को आते ही क्या कहते हैं भाई वाह क्या काम किया आपने। तो हमने सब कुछ ये घुमाया कि लोगों को उनकी बीवी और बच्चों को लगे कि तुम्हारा पिता या तुम्हारा पति रियली तो दुनिया की नंबर 1 डायरेक्टर कंपनी में काम करता है, और ये काम सबको करना चाहिए। सर मैं सबको ये बात बोलना चाहूंगा और आपको इस बात के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि नॉट ओनली आपने इतने भी ऐसा काम किया है कि आज तक कोई भी आदमी ने डायरेक्ट सेलर को पॉजिटिव किया है, आपने उनके परिवार को पॉजिटिव करने का काम किया है। सब पॉजिटिव है तो भैया बीवी पॉजिटिव है तो सब कुछ पॉजिटिव है, उनको पॉजिटिव करने का काम अगर किया है तो सिर्फ आपने किया। अगला सवाल प्लान बहुत बढ़िया है, किसी सवाल पूछा है कि हम यहाँ पे कैरियर लगाना चाहते हैं, लेकिन वो जानना चाहते हैं कि क्या मैथमेटिकली कैलकुलेटर है जिससे कि अपना कैरियर यहाँ पे लगाया जा सके। देखिए बिल्कुल जिसने ये सवाल पूछा बहुत जेन्युइन सवाल है। अगर कंपनी को अगले 100 साल तक चलना है, 200 साल तक चलना है, 500 साल तक चलना है, तो सिर्फ फिगर से काम नहीं चलेगा, मैथमेटिकली कंपनी को 100% कैलकुलेट होना पड़ेगा। हमारा प्लान 100% मैथमेटिकली परसेंटेज वाइज कैलकुलेटेड है, और कंज्यूमर अफेयर्स में ये प्लान हमारा जमा है, हो चुका है। और अभी मैं सबके लिए बता दूं, सब लोग सुने कि आने वाले समय में डायरेक्ट सेलिंग गाइडलाइंस के आईसीएमई रूल आ रहे हैं, रूल मतलब कानून आ रहा है, और कानून में साफ साफ लिखा हुआ है, वो लोग भी सावधान हो जाए जो इधर उधर चिल्लर चिल्लर कंपनियों में घूम रहे हैं। साफ साफ लिखा है कि मैथमेटिकली कैलकुलेशन आपको रूल्स आने के बाद अपने पेपर जमा जब आप कराओगे तो आपको देना पड़ेगा, परसेंटेज वाइज आपको पैसा बांटना पड़ेगा। आप कुछ भी नहीं लिख के दे सकते, 1000 रुपए का पेयर दे रहा हूँ, 2000 का दे रहा हूँ, 5000 यहाँ मिलेंगे, नहीं मैथमेटिकली लाना पड़ेगा क्योंकि ये तो रूल्स में सर। और हमें आज एक्चुअली पीएस एक ऐसा ब्रांड है जहाँ जिसकी तरफ सरकार भी इज्जत से देखती है कि हाँ अच्छे लोग अच्छा काम करते हैं, तो हम सरकार के खिलाफ भी काम नहीं कर सकते। तो सीधी सी बात है, सरकार ही मैथमेटिकली मांग रही है तो हमें मैथमेटिकली में आना है, हम आ चुके हैं और हमेशा रहेंगे। आप सोच सकते हैं कि हमारा प्लान 100% कोई भी आदमी बिना किसी डाउट के सर इस चीज को है कि जिंदगी में एक बोली जाती है कि जिंदगी जीने में उतार चढ़ाव बहुत आते हैं, कभी तनाव भी होता है कभी उतार भी होता है, लेकिन वजह क्या है कि असली स्टूडेंट 6 साल से एक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ से संबंधित है, इसकी वजह कोई आप किस चीज को मानते हैं? हम आपको मान ये तो बचपन इसकी वजह हम जनता को मानते हैं, जनता जनार्दन को मानते हैं, हाथ जोड़ के प्रणाम करते हैं, वो कस्टमर हमारे जो खुश हैं, वो लीडर जो हमारे खुश हैं, और वो प्रोडक्ट हमारे जिन्होंने वो रिजल्ट दिए मार्केट में, जिससे आज इज्जत मान सम्मान आपका प्यार मिलता है, और हर दिन हम आगे बढ़े हैं। मेरे के मतलब घंटे खड़े हो रहे हैं बताते हुए कि जब लॉकडाउन शुरू हुआ था जिस सेल पे हम थे पिछले हफ्ते हमने वो सेल क्रॉस कर दी, अब इसे क्या बताऊं मैं। अब कई बार तो मुझे भी समझ नहीं आता कि ये कैसे हो रहा है, लगता है महाकाल बाबा है, भगवान है, अल्लाह खुदा गॉड वाहेगुरु कर रहे हैं और लोग कर रहे हैं, और अचीवर्स टेस्टिमोनियल है उनसे भी ग्रोथ है कि जो लोग बेचारे कहीं कामयाब नहीं हुए थे वो 2-2 साल में कामयाब हो गए, उन्हें देख के भी ग्रोथ है, और प्रोडक्ट के रिजल्ट सबसे बड़ा हमारा ग्रोथ का कारण है। क्योंकि कस्टमर जब दुआ देगा ना सर किसी भी कंपनी को, तो उसके लीडर भी और वो कंपनी भी दोनों फलेंगे और फूलेंगे। कस्टमर की दुआ बहुत जरूरी है, लोगों की ईमानदारी और सत्य लोगों की दुआओं पर मान सकते हैं। तो एक सवाल है, आज अभी जो जितने भी फाउंडर हैं मैक्सिमम लोग फ्रेशर हैं, और दूसरा बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पहले से किसी न किसी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में काम किया करते थे, लेकिन वजह क्या है कि हमने काम करने डायरेक्ट सेलिंग में हमने दूसरी कंपनी में किसी भी अदर कंपनी में काम करने के बाद वो कामयाबी नहीं ले पाया, जिसके कंपनी खत्म होने के बाद वो यहाँ पे अपना वजूद बना पाया और एक बड़ा रिकॉर्ड बना पाया।
देखिए सबसे पहले तो किसी भी कंपनी में जो काम करते थे ना, मैं वो कहूंगा जो झोलर कंपनी है जिनका मतलब हिसाब किताब ही हवा बेचने का है ना, उनके लिए लोग सावधान हो जाए। भाई मैं एक बात कहता हूँ, पैसे कमाने ना तो किसी अच्छी कंपनी में काम कर लो भाई, हमारी में मत करो किसी और में कर लो, अच्छे प्रोडक्ट बेचो यार। कम से कम ये तो सोचो तुम्हारा बाप सीने के बेबटन खोल के बाजार में निकले कि मेरा बेटा BMW लेकर आया तो दुनिया का भला करके लाया, मर्जी लेकर आया दुनिया का भला करके लाया। ये तो ना कहे तो हमारे बाप को मांगो लोग अगर तेरे बेटे ने थोड़ा गांव लूट लिया, थोड़ा शहर लूट लिया, घटिया प्रोडक्ट बेचे थे, घटिया चीजें बेची जो आज हमारे लोगों के किसी काम की नहीं। तो मेरा कहने का मतलब है, पहले तो उन लोगों के लिए मैसेज है भाई, अपनी इज्जत से बड़ा पैसा नहीं होता, अपने माँ बाप के सम्मान से बड़ा सम्मान नहीं होता। तो अच्छी सम्मानित कंपनियों में काम करो, बहुत अच्छी अच्छी कंपनी, मेरी भी मत हो किसी और में चले जाओ, लेकिन अच्छी कंपनियों में जाओ। अब जो लोग 5-6 साल से कामयाब नहीं हुए सर, और यहाँ कामयाब हो गए, तो मेरा आज का क्वेश्चन है कि वहां कामयाब क्यों नहीं हुए, यहाँ कामयाब हो गए, उनमें कोई कमी थी क्या? अगर कमी होती तो वहां भी कामयाब नहीं होते, वहां भी नहीं होते। मतलब कमी उनमें नहीं थी, कमी परिश्रम में थी, कमी प्रोडक्ट में थी, कमी पेआउट में थी, कंपनी मैनेजमेंट में थी, कंपनी ट्रेनिंग सिस्टम में थी, कंपनी लीडरशिप में थी, वो सारी चीजों ने यहाँ पर मिली उनको। यहाँ पर देखो डाउट सेलिंग में लीडर पैसा कब कमाएगा? जब कस्टमर उसके प्रोडक्ट को प्रमोट करेगा, ना कि नेटवर्क का। कस्टमर मुझे डायबिटिक प्रॉब्लम है, मुझे प्रोडक्ट से फायदा हुआ, मैंने अपने चार दोस्तों को बोला भाई डायबिटिक का प्रोडक्ट लेना, अच्छा प्रोडक्ट है, मतलब बिजनेस नहीं कर रहा है तभी तो पैसा कमाएगा, तभी तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होगी, तभी तो। अब क्या हुआ, ना तो मुझे उसे ट्रेनिंग देनी पड़ी, ना एक स्टार, ना 12 स्टार, ना 13 स्टार, ना कोई मोटिवेशन देना पड़ा, तो मैंने तो प्रोडक्ट ही दिया था ना, प्रोडक्ट ही दिया था ना, उसने 5 आदमी को प्रोडक्ट बिकवा दिया, उसने पैसे कमाए, आया ना। तो सबसे बड़ा रोल होता है प्रोडक्ट का, फिर प्रोडक्ट के बाद क्यों आए कि प्रोडक्ट कितना ही अच्छा क्यों ना हो, अगर आपको प्लॉट अच्छा नहीं मिलेगा तो बेचोगे कैसे? पेट्रोल चाहिए, मोबाइल का बैलेंस चाहिए। फिर होता है मैनेजमेंट, फिर होते हैं टॉप लीडरशिप। तो आज कंपनी की हमारी जो टॉप लीडरशिप है उसका सल्यूट है मेरा कि वो इतने अच्छे, इतने ईमानदार लोग हैं, नेपाल सर जैसे, रामवीर सर जैसे, शिव कुमार जी जैसे, कुणाल जैसे, दलित जैसे, अमित दुबे, अनुज जैसे अच्छे लोग हैं कि इन लोगों की जो लीडरशिप है वो लाजवाब रही है। और हमारी कंपनी का केयरिंग नेचर जो है, पता नहीं मैं कितनी केयर आप लोगों से करता हूँ वो आप लोग जाने, पर मेरे लिए एथलीट का हर एक सदस्य अपने परिवार से बढ़कर है, अपने बच्चों से बढ़कर है। तो कंपनी का केयरिंग नेचर होना चाहिए, यूज एंड थ्रो का सिस्टम नहीं होना चाहिए कि कालों का इस्तेमाल करो, माल कमाओ फिर लात मार दो, वो हम कभी नहीं करते, वो काम हम कभी नहीं करते ना करते थे। तो ये सारे कारण है सर, और वो केयरिंग नेचर ही है जिसकी वजह से लोग आज अपने परिवार से भी ज्यादा धीरे से उसको प्यार करते हैं, बहुत 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 ज्यादा करते हैं। सर मोहन आंजना ढिंगवाल है, इन्होंने पूछा है क्या कंपनी जिंदगी भर चलते रहेंगे, हम कैसे आप सोचते हैं, और आप अपने फ्यूचर प्लानिंग और रीजन बताना चाहेंगे? देखिए कंपनी जिंदगी भर चलती रहेगी, ये आप ये सवाल मुझे आपसे पूछना है कि आप चलाते रहोगे, आप लोग चलाते रहोगे तो चलती रहेगी। भाई कंपनी कभी बंद नहीं हो सकती, कभी भी बंद नहीं हो सकती, 2-3 कारण है मैं समझता हूँ। नंबर एक कारण जब कंपनी का प्रोडक्ट बिकना बंद हो जाए तो क्या हमारा प्रोडक्ट बिना बंद हो सकता है? बढ़ेगी, क्लियर है? लॉकडाउन में कम ज्यादा हो रहा है, क्लियर है? टॉप के प्रोडक्ट है, आज लॉकडाउन में तो हमने रिपोर्ट तोड़ दी है, ठीक है। उसके बाद गवर्नमेंट के टैक्सेस आएंगे, गवर्नमेंट बैन करेगी, तो गवर्नमेंट के टैक्सेस एक्सपीडियस के जिसका दिल करे, अगर कोई हमारी कंपनी में CEO CSO जाइए भैया ऑनलाइन देखिए, हम TDS कैसे देते हैं, नहीं देते, GST देते हैं, नहीं देते, क्या गवर्नमेंट का 5% हमने रखा है, बड़े बड़े अच्छे प्रोफेशनल लोग हमारी कंपनी में ज्वाइन है, खुद जाके चेक कीजिए। अगर दोस्त मिलते हैं थोड़ा फोन करके बताइए, संजीव कुमार सर आप झूठ बोलते हो कैमरे के सामने बैठ के, 1 रुपया गवर्नमेंट का आज तक मैंने नहीं रखा, पहले देता हूँ 2 दिन पहले, तो गवर्नमेंट का पैसा नहीं रखूंगा तो गवर्नमेंट मुझे कभी डिस्टर्ब नहीं करेगी। जो डायरेक्ट सेलिंग के रूल्स हैं वो सारे हमारी कंपनी में फॉलो होते हैं, इसलिए हमारी कंपनी थोड़ी स्ट्रिक्ट है, आपने देखा होगा KYC प्रोसेस, ये प्रोसेस, वो प्रोसेस, ज्वाइनिंग प्रोसेस सब स्ट्रिक्ट है, क्यों? पूरे 100% रूल फॉलो करते हैं, गवर्नमेंट का, कंज्यूमर अफेयर्स का, अपग्रेडेशन कंपनी का टाइम टू टाइम करते हैं। और भैया अगर कंपनी को जाना ही होता है तो कंपनी इतनी बड़ी बड़ी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट क्यों लगाती है? मैंने पहली जो यूनिट बनाई थी उसमें लगाए थे मेरे ख्याल 12 करोड़, फिर अभी जो यूनिट बनाई है उसमें लगाए 7-8 करोड़, और अब एक यूनिट आपकी और बन रही है तो 50 करोड़ की बन रही है, जो इस साल बनकर तैयार होगी 50 करोड़, 50 करोड़ में पाल जी जयपुर में बन रही है, मतलब आप ये देखिए 2209 18,000
1.5 लाख स्क्वायर फीट की फैक्ट्री बन रही है बड़ी। इस फैक्ट्री को हम बना रहे बाहर की कंट्रीज के लिए, बाहर की कंट्रीज में हमारा प्रोडक्ट जाएगा क्योंकि वहाँ पैकेजिंग वैकेजिंग के कई लफड़े हैं, तो पैकेजिंग अच्छी हो। यहाँ पे मैं बता को फैक्ट्री को बना रहा हूँ, इसलिए बना रहा हूँ आगे कोई भी आओ जयपुर में देखो, पहली छत गल चुकी है, दूसरी गलने वाली है अभी। कितनी बड़ी फैक्ट्री बना रहा हूँ, तो अगर मैं 3-3 फैक्ट्री बना रहा हूँ, अच्छा ये बताओ ये 10-12 करोड़, ये 6 करोड़, ये 50 करोड़, ये 60-70 करोड़ रुपए थे, तो मैं प्लॉट खरीद लेता, फ्लैट बना लेता, गाड़ियां खरीद लेता, विदेशों में अपनी प्रॉपर्टी खरीद लेता। अगर मेरा विजन ही ना होता, मैं फ्यूचर ही ना देखता, मैं और कंपनियों की तरह, अब वो और कंपनियां बोलती है अपनी मैन्युफैक्चरिंग लगाने का क्या मतलब है, अरे मतलब है ना खर्चा करना पड़ता है, चलो लगा के दिखाओ, लगा के दिखाओ, इधर उधर से माल ले रहे हो, अपना कुछ है क्या, अपना कुछ लगा के दिखाओ, अपना माल बना के दिखाओ, पैसा लगेगा, 70 करोड़ लगाया इधर, 70 करोड़ विदेशों में इन्वेस्ट कर देता संजीव कुमार, लेकिन नहीं, ये जनता की कंपनी है, मैंने जनता के लिए बनाई है, पब्लिक के लिए बनाई है, और हमेशा पब्लिक के लिए ये कंपनी जिंदाबाद रहेगी, और मैं ऐसे ही पैसे खर्चा करता रहूंगा। तो 3 यूनिट बनाई है, 70 करोड़ लगाए हैं, तो इसका मतलब फ्यूचर है, विजन है, चलना है, लोगों को कैरियर देना, भविष्य देना, इसलिए तो लगाए कंपनी का ये मैनेजमेंट देखा आपने। और एक कंपनी बंद होने का सबसे बड़ा जो कारण होता है महिपाल जी, राज की बात है, अगर इधर उधर इल्लर किल्लर कंपनी में काम करो तो हम डायरेक्टर से जाके पूछ भी लेना कभी, एक आईडी आती है एक कंपनी में, मान लो 14,000-15,000 की, तो आईडी में शुरू से होती है, टैक्स का पैसा टैक्स में, प्रोडक्ट का पैसा प्रोडक्ट में, कंपनी का पैसा कंपनी के प्रॉफिट में, कंपनी के प्रॉफिट में, लीडर का पैसा लीडर को, टूर का पैसा टूर को। जो कंपनी पब्लिक का पैसा खाने लग जाती है उसका बंद होना निश्चित है, और 99% ये झोनर कंपनी जीतनी है, 99% आती है, जो आजकल के बच्चे खोल के बैठ रहे हैं ना, इनका यही काम है, क्योंकि पैसा आता बहुत है, बैंकों में बड़ा पैसा दिखता है, और ये कहते तो हमारे लिए देना तो है नहीं, ऐसे नहीं होता, ऐसे ही ये कंपनी चल नहीं पाती। अब जैसे मैं अपने बताता हूँ, एसबीआई बैंक में मेरा अकाउंट नंबर में अगर कोई चेक कर सकते चेक कर लेना, कंपनी के टूर के पैसे, आईसीआईसी बैंक में सेल्स इंसेंटिव सेल परफॉर्मेंस गवर्नमेंट के टीडीएस के पैसे, एक्सिस बैंक में मेरा पूरा जीएसटी का पैसा, एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ समझे, HDFC में मेरा प्रोडक्ट के वाले को पैसा जाता है, और प्रोडक्ट का जो अकाउंट है वो मेरा प्रॉफिट आता है। इस तरह हम डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं, आपके 100 HP आते ही ऐसे बांट देते हैं, हमारे पैसे का हमारा हक होता है, उससे हम डेवलपमेंट करें, उससे हम फैक्ट्री बनाए, लेकिन आपके पैसे को हम टच नहीं करते, जिसका दिलो जमा के अकाउंट देख लेना, इतना ओपनली कोई बात नहीं करेगा। और कोई आदमी ये भी सोच सकता हूँ, आज आपने बातों बातों में एक चीज जरूर बता दी कि आने वाले टाइम में वो भी होगा कि विदेशों में अपनी देश परसेंट होगी सर, उसकी पूरी तैयारी है। सर एक चीज है, किसी ने बार बार लिखी है कि आप स्टेट के माध्यम से मीटिंग के माध्यम से कहते हैं हमारे सिक्स का वैल्यू जो है, मैं आज पब्लिक के सामने ये जानना चाहता हूँ कि आपके ऐसे कौन से सिक्स का वैल्यू जो प्रिंसिपल है जो बाकी लोगों को आगे बनाने पर हमारे एथिक्स और वैल्यूज अलग हटके हैं, जो आज तक 20-25 साल से जो फर्क रहे हैं, नेटवर्क कर परेशान रहे कंपनियों से, तकलीफें रही है ना, वो तकलीफें देखो हमने प्रोडक्ट से पे आउट से दूर किए और अपने कुछ प्रिंसिपल से दूर किए। जैसे मैं एक पहला प्रिंसिपल बताता हूँ, आप कई कंपनियों में देखोगे पूरा स्ट्रक्चर एक्सपेंसिव शिफ्ट हो जाता है एक सीनियर अपलाइन के कहने पे, कंपनी का टॉप अपलाइन जिसका धंधा सबसे ज्यादा आता है वो डायरेक्टर को आता है जाके डराता है, ये बंदे का धंधा इधर कर दो, डायरेक्टर कहता है भाई साहब वहां क्योंकि तुम्हारे धंधा सबसे ज्यादा आता है, तुम्हारे सैल्यूट हम कर देंगे, इधर ऐसा नहीं चलता। हमारी कंपनी में अगर आपने अपनी आईडी ग्रीन करा दी, इस पूरी पृथ्वी पर कोई ताकत नहीं उस आईडी को डीएक्टिवेट करा दे बिना आपकी मर्जी के, आपका मर्जी नहीं, मेल नहीं चलती, आपका स्टैंप पेपर होता है, 100 रुपए का नोटरी होके आपका साइन मैच होता है कि आदमी जो एक्टिवेट करा रहा है यही है कोई और है। एक आईडी की मैं ताकत बता रहा हूँ, एक आईडी नहीं है, एक आदमी का फ्यूचर है, सही ना, कैरियर है। ऐसे तो कल को कोई भी लीडर भवन में आगे किसी को लड़ाई हो जाए तो किसी को भी बर्बाद कर देगा, तो वो बर्बाद हमारे यहाँ कोई लीडर किसी को नहीं कर सकता, कोई शिफ्टिंग नहीं कर सकता, क्रॉस लाइनिंग यहाँ पर नहीं होती। आपने भी देखा होगा 4-5 साल से आप हमारे साथ हो,
क्रोध में कितना ही बड़ा लीडर हो, कितने बड़ा बिजनेस दे रहा हो, मुझे कोई बिजनेस से लेना देना नहीं, बात है लोगों की जिंदगी होगी। क्रोध प्लानिंग नहीं होगी जब तक रियल कोई ऐसा केस है, फोन करके चला गया उसके लोग चुराना चाहते हो, एक अलग बात है। लेकिन अगर रियल फिकर बनता है उसके साथ कभी भी गलत नहीं होगा। हमारे यहाँ पर रिन्यूअल फिक्स नहीं हुई, पहले दिन से कोई रिन्यूअल हमने नहीं दी। हमारे यहाँ पर और तो छोड़ो सर, फ्रेंचाइजी लेने वाले लोग है ना, कोई सिक्योरिटी चीजें नहीं लेते हैं। हाँ जी, और फ्रेंचाइजी के एग्रीमेंट में ये लिखते हैं कि भाई तेरा प्रोडक्ट बिकता है तो ठीक, नहीं बिकता तो एक साल बाद देके जाओ पैसे लेके जाओ। 5 पैसा लाइबिलिटी एप्लीकेट बैलेंस पे हिंदुस्तान में कोई नहीं कर सकता। ये हमारे फिक्स है, हमारे फिक्स है कि अगर आप हमारी कंपनी छोड़ के भी चले जाते हो तो भी हम आपको फोन करके आपका सारा बचा हुआ पैसा देते हैं। अगर आप टूर पे, तो अगर मान लो छोड़ के चले गए हम तो आपको टूर पे नहीं लेके जाएंगे, लेकिन टूर का पैसा देंगे आपको। बुला के भाई साहब आप चले गए, आपको हमारी कंपनी अच्छी नहीं लग रही, आप दूसरी कंपनी में चले गए, भाई साहब आपने हमारे यहाँ जो मेहनत करी है ना, आप अपना मेहनताना लेके जाओ। कोई बात नहीं, आप चले जाओ, आपका हमारे साथ दिल नहीं लग रहा तो हम आपका आपका पैसा कभी नहीं खाएंगे। ये ये फिक्स है, ये प्रिंसिपल है, ये वैल्यूज है हमारे, जिनके साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होता। आपको पता है आप कंपनी के टॉप अचीवर हो, क्या रियली आपने कभी प्रयास किया किसी की क्रोध प्लानिंग कराने का? कभी किया मन में? क्योंकि आपको पता हो नहीं सकता, तो आपने तो खैर आपके बहुत अच्छे आदमी आपको कर ही नहीं सकते, लेकिन और बहुत लोगों ने प्रयास किया लेकिन उन्हें रात में नेगेटिव रिजल्ट नहीं हो सकता भाई। अगर किसी का 2 लाख चल जाए और वो बैच भी चलाएगा ना तो भी हमारे यहाँ से कट जाता है। और कंपनी में क्या होता है, लीडर आते हैं आगे बोलते हैं सर वो तो बैच चला रहा है 2 लाख चल रहा है, कैसे आई डी बन करो, उसको ऐसे करो। हम बोलते हैं भाई जब वो आया था ना तो तुमने यही कहा था कि अगर तेरे 2 लाख चल गए तो तेरी जिंदगी बदल जाएगी। अब बेचारे की बदल गई तो यार तुम्हें क्या तकलीफ है? तो दोस्तों निश्चिंत रहो, आपकी आई डी आपकी है, उसे कोई भी लाने सकता है। ये हमारे बहुत प्रिंसिपल है, बहुत सारी चीजें हैं, समय कम है, ज्यादा नहीं। बहुत अच्छा सवाल है और लोगों को जानना भी चाहिए इसका जवाब। एक संजय कुमार है, मनीष जयपुरी है जो पूछते हैं आज एप्लीकेशन की कॉपी मांग के अंदर बहुत आई है, उनके बारे में क्या कहना चाहिए? देखो आज यहाँ तक की लोग हम जीत हो गए है ना, कॉपी किसकी होती है? जिसमें कुछ होता है ओरिजिनल है। देखिए कॉपी करने वालों को मैं सलाह दूंगा कि आप अपने खुद के आइडियाज लाएं, ऐसे आप बड़े नहीं बन पाएंगे, आप लोगों का फ्यूचर खराब कर लेंगे, लोगों की जिंदगी खराब कर देंगे। आप वही खेल खेलेंगे जो आपसे 20 साल से लोग खेलते रहे और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री बदनाम होती रही, क्योंकि आप लोगों ने भागना ही भागना है अपने तो दो, क्योंकि हमारी तरक्की हो नहीं सकती है जी। पहली बार हमारी तरक्की करने के लिए 4-4 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाओ, हमारी तरक्की करने के लिए हमारी प्रोसेसिंग लाओ, हमारी तरक्की करने के लिए हमारे प्रोडक्ट में क्वालिटी लाओ, वो क्वालिटी दो जो हम देते हैं, देखे दिखाए कोई ट्रेड सीक्रेट हमारे पास है ना, हम कैसे प्रोडक्ट बनाते, फॉर्मूला हमारे पास है ना। टैक्सी को कोई कॉपी कर पाया आज तक? एप्पल को कर पाया कोई आज तक? बड़े बड़े बिरले बैठे हैं क्यों, फिर भी लोग एप्पल के दीवाने। अगर पीछे टेप कटा हुआ मोबाइल को चिपकाने के आदमी एप्पल बन जाता तो फिर तो कभी गला एप्पल बन जाते, एप्पल की है ना, तो एप्पल नहीं बन सकते ना, तो आप एप्लीकेशन तो बन ही नहीं सकते ना, तो आप कितनी मर्जी कॉपी कर लो। अच्छा कॉपी करने से होता क्या है कि जो बेचारी वही मैंने कहा ना, वो बच्चा है जो पहली बार सेमिनार देखा है, नया नया आया, वो नहीं ना समझ होता है, उसको दिखाओ कैसे चलाने देता है एप्लीकेशन, कैसे प्रोडक्ट है, वो बेचारा बेवकूफ बन के घुस जाता है। ट्रेड सीक्रेट हमारे पास है, ठीक है। अब हमारा प्लान कॉपी कर लिया भाई, मैथमेटिकली कैलकुलेशन लाओ, अब कॉपी करना आसान है, देना मुश्किल है ना। अरे तुम लिख दोगे, लिखना आसान है पर देने में हाथ कांपते हैं। वो मैं कहता हूँ ना, दिखर नहीं चाहिए, दिखना चाहिए। तो भाई क्या तुम इस कैपेबल हो इतना पैसा दे सकते हो जितना लिखते हो? बस कॉपी एप्लीकेशन जो छाप दिया फोल्डर, और अच्छा कई कंपनी तो ऐसे 19वां लेवल 20वां लेवल। अरे भाई पहले 10-20 लेवल देते तो। और दूसरी बात है, इनका आंकड़ा भी बुरा होने वाला है। अच्छा मैं बता रहा हूँ, ऐसी कंपनी का कोई मालिक सुन रहा हो तो ध्यान से सुन बेटा, अभी डायरेक्ट सेलिंग गाइडलाइंस में रूल्स आ रहे बेटा, उन रूल्स के अंदर मैथमेटिकली कैलकुलेशन चाहिए प्लान में, उन रूल्स के अंदर बहुत सारी चीजें आ रही जो तुम लोग फॉलो नहीं कर रहे ना, तुम कभी कर सकते सही है। उसके लिए बहुत ज्यादा मैनेजमेंट, बहुत ज्यादा पैसा चाहिए। और एक बेटा अच्छी बात बताता हूँ तुम लोगों को मेरे बच्चों, रूल्स के अंदर मैं पूरी ताकत लगा रहा हूँ, 10 करोड़ की सिक्योरिटी डलवा रहा हूँ कि जो भी नई एमएलएम कंपनी चल रही है सबको 10-10 करोड़ देने पड़ेंगे। मैं पूरी ताकत लगा रहा हूँ, 10-7 तो डलवा दूंगा, तो उतना जुगाड़ रखना तब जाके चला पाओगे, लोगों की जिंदगी बर्बाद मत करो। लोगों के लिए
अरे सर मैं सच बताओ रूल्स बन रहे हैं उनमें सिक्योरिटी लग रही है, तो सिक्योरिटी क्यों ले रही है गवर्नमेंट? गवर्नमेंट सर आप ये समझो कोई भी साला उल्लर पुल लगाया कंपनी खोल के बैठ गया, दो कमरे की जगह ली, एक सॉफ्टवेयर बनाया, एक प्रोडक्ट वाले जब आपके लिए कंपनी खोल के बैठ गया, अरे कंपनी में भविष्य है भाई, लोग अपनी डीबीए एमबीए एलएलबी छोड़ के तुम्हारे साथ जिंदगी लगाते हैं क्या, उनकी जिंदगी की कोई जिम्मेदारी नहीं है क्या? तो भारत सरकार भी ये रूल बना रही है कि जो भी कंपनी आएगी उसको बड़ा अमाउंट सिक्योरिटी देगी तो ही चला पाएगी, नहीं तो नहीं चला पाएगी। और वो संजीव कुमार उसका समर्थन में कर रहा है, कुछ लोग समर्थन नहीं कर रहे हैं लेकिन मैं इसको समर्थन में हूँ अंदर की बात सब खुल लो आराम से, कोई दिक्कत नहीं। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन बहुत अच्छा है और बेटा आपको ये समझना है कि सात प्लान से ज्वाइनिंग नहीं आती, प्लान आपने दिए किसको है पहले तो ये देखो। तीन तरह की लिस्ट होती है मार्केट में, ए क्लास, बी क्लास और सी क्लास। सी क्लास वो लोग होते हैं जो एडजस्टमेंट सेटिस्फेक्शन के लोग होते हैं और जिनका पैसा नहीं होता। एक होती है डी क्लास जिनको थोड़ा पैसा होता है, और एक क्लास वो होती है जो आपके प्रोडक्ट को आपके प्लान को अफोर्ड कर सकती है। तो कैटेगरी ऑफ लिस्ट अपनी पहले सुधारो, आप उन लोगों को प्लान दो जिनकी जेब में पैसा है और जिन्हें प्रोडक्ट की जरूरत है। देखो आप जाकर रिश्ते वाले को प्लान दोगे, आप साफ पैसे को प्लान दे दो, वो कहां से पैसे देगा, उसे ना जरूरत है ना उसकी जेब में पैसा है। तो पहले आप अपनी लिस्ट को फिल्टर करो, आप अपने ऐसे लोगों के पास जाओ जिनकी जेब में पैसा हो और जिन्हें जरूरत हो। दूसरा आपका प्रेजेंटेशन परफेक्शन होना चाहिए, ऑब्जेक्शन के सोल्यूशन आपको आने चाहिए, एजुकेशन आपके पास प्रॉपर होनी चाहिए। देखिए कोई भी आदमी अपना भविष्य उस आदमी के हाथ में नहीं देगा जिस आदमी को अपने से कमजोर रखता हो। तो आप इतने अच्छे कपड़े पहन के जाए, इतने मजबूत होके जाए, इतनी अच्छी बातें लेके जाए कि सामने वाले को लगे कि उसके हाथ में अगर अपना भविष्य दे दिया तो मेरी जिंदगी बना देगा। तो आपको इस मजबूती से अपने आप को एजुकेट करना है और अपने अपनी पर्सनैलिटी को निखारना है और अपनी लिस्ट को फिल्टर करना है। आपको 100% रिजल्ट आएगा अगर आप उन लोगों के पास जाओगे जिनकी जिम में आपका प्रोडक्ट खरीदने के लिए पैसा। बहुत बढ़िया सर, ये सारी चीजें जो भी दिनों से रही है मैं आपसे कुछ पर्सनल चीजें पूछना चाहता हूँ। अगर आपके हिसाब से पूछो सर, आपकी जिंदगी का कोई ऐसा पल जिसको याद करके आप बड़ा आनंद से दुखी महसूस हो जाओ? कोई दुखी पल? मैं दुखी पल आज तो नहीं है, पहले कभी था। सर मैंने जब नेटवर्किंग शुरू करी ना तो मैं आर्मी में था, क्योंकि सरकारी नौकरी ना मैंने लाइन लगा के छुड़वाई लोगों की, बहुत नौकरियां छुड़वाई। और उसके बाद जब मैंने वो कंपनी छोड़ दी और मैं दो साल जब खुद भी नाकारा निकम्मा हो गया, बेकार हो गया, तो वो लोग बेचारे बड़े दुखी हो, किसी ने सिक्योरिटी की नौकरी करी सर, किसी ने टीचर लगा, मतलब संपूर्ण सपने मतलब नाना करते आप 150 लोग मान लो सर जिनकी नौकरी मैंने सरकारी नौकरी छोड़वाई, क्योंकि वो सरकार है ना तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी, नेटवर्किंग ये कर देगी। और जब वो लोग कामयाब नहीं हुए ना सर तो उनको फोर्स करना, उनसे बात करना मेरे बस की नहीं था। मैं अपने आप को बड़ा दुखी महसूस करता था कि साला तूने तो पैसा कमा लिया, इनकी जिंदगी बर्बाद क्यों करी। तो मेरे जीवन में सबसे दुखी पल वही था सर, अब तो नहीं क्योंकि वो सब लोग कामयाब है। दुखी का पल क्या है? मेरा सबसे सुखी पल यही है कि जितने लोगों को मैंने जीवन लगाया वो कामयाब हो गए। और सबसे अच्छा सुख मुझे मिलता है तो जो लोग मेरे इनको डीपली जानते हैं वो बता सकते हैं, लोगों की सेवा करने में मिलता है, लोगों को प्यार बांटने में मिलता है, किसी दुखी की मदद करने में मिलता है, किसी गरीब की मदद करने में मिलता है। शायद ऐसा कोई व्यक्ति ना हो जिसका मैसेज मेरे फोन पे और उसकी मैंने मदद ना करी हो आज तक। मैं मुझे जनता की भाई में मतलब जो मजा आता हो किसी में भी नहीं आता, बेस्ट मेरे लिए, आई एम 100% सेटिस्फाइड पर्सन इन माई लाइफ विद माई एथिक्स एंड विद माई वैल्यूज एंड विद माई प्रिंसिपल्स की मैं जैसे काम करता हूँ जैसे जिंदगी जीता हूँ मैं बेहतरीन जिंदगी जीता हूँ। वो हेलीकॉप्टर याट और पानी के जहाज वो मुझे कुछ नहीं बनाने, मुझे लोगों की जिंदगी बनानी है, मैं बनाता रहूंगा, मैं लड़ता रहूंगा, मैं चलता रहूंगा, कुछ भी हो जाए जिसने दिल से काम किया उसको कभी यहाँ से लेगा काटने लगेगी और मैं लोगों की सेवा करता रहूँगा। यही कारण है अब देखो देश तो सर्वोपरि है बड़े भाई, अगर देश नहीं रहेगा तो कौन सी असलियत, कौन सी दिल्ली, कौन सी मुंबई, देश सर्वोपरि है। मैं तो कहता हूँ हर आदमी को देश सेवा में बढ़ चढ़ के हाथ लेना, बढ़ चढ़ कर सहयोग करना चाहिए। अरे जो ही कहता हूँ पैसा कहाँ से कमाए भाई, हिंदुस्तान के लोगों से, पाकिस्तान के लोगों से, फिर हम रहे किसकी जमीन पर? हिंदुस्तान के तो देश के लिए नहीं खड़ा होना चाहिए क्या? अरे देश को
ये तो दिखावा नहीं है कि संजीव कुमार ने पीएम केयर फंड में दिया तो अपने आप को प्रमोट करने के लिए दिया, या संजीव कुमार ने किसी को मास्क बांटे तो प्रमोट करने के लिए दिए। अरे यार देश है तो संजीव कुमार है ना, देश नहीं तो संजीव कुमार थोड़ी है। और इसलिए तो मैं कहता हूँ सर, हमारे देश के लोग ऐसे गलत लोगों का साथ देते हैं, इतने गंदे लोगों का जो लोगों को लूट रहे हैं, लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। अरे हिंदुस्तान के लोगों ने क्यों लूट रहे हो, लूटना सारा पाकिस्तान के लोगों को जाके लूटो, कम से कम हिंदुस्तान की कुछ तो ग्रोथ हो, मारना तो पाकिस्तान के लोगों को मारो, बर्बाद करना होना तो हमारे लोगों क्यों करता है। ऐसे निकम्मे लोगों से सबसे मैं कहूंगा कि जो भी लोग देश के साथ गद्दारी करते हैं, और गद्दारी में क्या है, गलत चीजें बेचना, मिलावटी चीजें बेचना, गलत बातें करना, गलत धोखा देना, मोटिवेट करके आडंबर में फंसा के रखना, तो पाकिस्तान वालों को बताओ ना। तो भाई देश तो सर्वोपरि है नेपाल जी, और मेरे लिए था है और जीवन भर रहेगा। आजकल हिंदुस्तान में बहुत सारे लोग आपसे इम्प्रेस हैं, आपसे प्रभावित हैं, आपके गाइडलाइन के तहत चलते हो और बहुत अच्छी कामयाबी ले रहे हैं, लेकिन ये जानना चाहते हैं कि आज इस लेवल पे आने के बाद और खुद ही इस लेवल के लिए अपने साथ में जो लोगों को इस लेवल पे लाने के बाद आपकी जिंदगी का कोई कोई सक्रिय जवाब है कुछ छोड़ दो कहीं भी हो गया देखिए बिना आप सक्सेस नहीं हो सकते। सैक्रीफाइस बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट होता है लाइफ का। मेरी लाइफ का सबसे बड़ा सैक्रीफाइस तो मेरा नहीं है, मेरे बीवी और बच्चे, मैं रियल बताऊंगा मेरा कोई सैक्रीफाइस नहीं है, सैक्रीफाइस उनका है। क्योंकि जब मैं सीपीएस वेलनेस को 9 नवंबर 2014 को बना रहा था तो मैं जयपुर रहता हूँ, बेसिकली मेरा घर परिवार सब जयपुर रहता है। तो जयपुर में हमारे घर में मीटिंग चल रही थी, तो मैं मेरी वाइफ से बोला कि यार ऐसे कंपनी बनानी है, लोगों का अपना भविष्य, लोगों का भविष्य, अपना भी भविष्य का अपना भी लागत था, और लोगों का भविष्य के लिए अच्छी कंपनी बनानी और उसको दुनिया की नंबर 1 कंपनी बनानी, चलाना मेहनत कर। तो मेरी वाइफ ने कहा ठीक है आप एग्जीक्यूट करो खोल लो। तो मैंने मेरी वाइफ को कहा कि अगर जयपुर में नई बात बनेगी मैं कंपनी दिल्ली खोलूंगा, तो एकदम खोल लोगे, बोलिए आप दिल्ली क्यों खोलोगे। मैंने कहा यार अगर मैंने जयपुर में कंपनी खोली तो कहीं ना कहीं एक जिम्मेदार पति के नाते तेरे सारे काम करने पड़ेंगे, और जिम्मेदार पिता के नाते बच्चों की मीटिंग वीटिंग ये वो फलाना दिन का जाना पड़ेगा। और ये कंपनी नहीं है, लोगों की लाइफ लाइन होती है, MLM कंपनी नहीं होती, लोगों की जिंदगी होती है। क्योंकि लोग बहुत बड़े सपने लेके घर यहाँ आते हैं, बहुत गाँव हाउस के यहाँ देखते हैं, कंपनी की छोटी सी गलती से उनका भविष्य खत्म हो सकता है। तो मैंने कहा मेरी वाइफ से, उसका नाम पूनम है, पूनम वैसे मैं वो काम शुरू नहीं करूंगा, करूंगा ना तो पूरा पागलपन से करूंगा, पूरे डेडिकेशन से करूंगा, मैं लोगों की जिंदगी के समान नहीं हो सकता। 2 साल चलाई बंद कर दी, 3 साल चलाई बंद कर दी, अपने ऊपर एक धब्बा लेकर अपना जीवन नहीं जी सकता मैं, तो पूरी मेहनत करूंगा, बाकी भगवान जाने जो होगा। तो मेरी वाइफ ने कहा ओके, पहले तुम कहते थे जब तुमने नेटवर्किंग शुरू करी दावनी 3 साल की बात है फिर कैसी बनी कम, आज 7 साल हो गए तो फिर बोलते दावनी 3 साल की बात है कैसी बनी कम। आज उस टाइम पे हो गए थे नेपाल जी 2014 में मुझे 7 साल बोला अब कैसी बनी कम, अब तो साथ रहो 7 साल से तो मेरे साथ नहीं हो। मैंने कहा बस 500 साल और दे दें फिर कैसी बनी कम, एक डेट और दे दी। तो उसके बाद तो हमने कंपनी दिल्ली खोली, क्योंकि दिल्ली में ट्रांसपोर्टेशन अच्छा था, लोगों का ऑफिस के लिए अच्छा था, सुविधाएं अच्छी थी। और उसके बाद में मुझे दिन रात काम करने का मौका मिल गया, और मुझे भी मेरे साथी जो डायरेक्टर है अमित जी और रामचंद्र जी के भी बच्चे को छोड़वा दिए, और हमें कहा तुम भी अपने भी बच्चे दूर रखो, 3 साल तक तो कोई भी बच्चे लाए गए नहीं, कम से कम हर आदमी रात के 2-2 बजे तक काम करेगा, 4-4 बजे तक काम करेगा, दिन रात काम करेगा। बीवी को बोला अब जिम्मेदारी तुम संभालो, हम कंपनी संभालते हैं। तो थैंक्स टू ऐसा परिवार, ऐसे बीवी बच्चे भाई, जिसकी वजह से आज मैं दिल्ली में रहता हूँ सर, महीने में एक दिन अपने घर जाता हूँ, पिछले 6 साल से ये हालत है, कभी कभी 3 महीने में जाता हूँ। तो मैं तो थैंक यू करूँगा मेरी फैमिली को, आप लोगों का प्यार है और जनता का प्यार है तो इतनी मेहनत हो जाती है, आप लोग प्यार ही बना करते हो, करना चाहते हो मेहनत करने का दिल करता है। हाँ एथलीट के फाइटर्स आपके लिए मेरा सबसे अच्छा मैसेज ये है कि हम अच्छे प्रोडक्ट अभी कुछ लॉन्च करने वाले हैं आप सबके लिए। आप लोग दिल से निष्ठा से ईमानदारी से काम करें,
अपने मन में नेगेटिव क्वेश्चन ना आने दे, इसलिए आज मैं आपके सामने बैठा हूँ रूबरू भाई, नेगेटिव क्वेश्चन ना आने दे। अगर कोई भी नेगेटिव होगा कभी भी मुझसे पूछे, नहीं पाओ करते पूछे, किसी से भी पूछे, खुद पर नेगेटिव ना होने दे, क्योंकि नेगेटिव आदमी पॉजिटिव जिंदगी नहीं कर सकता। शारीरिक दुख दे खुद को, शारीरिक खूब मेहनत करे, मानसिक सुख कभी मिलेगा। आप लोगों के पास जाते हैं, लोग आपके पास नहीं आते। एक बंदे का सवाल आया था, सर लोग नहीं आते, मैं भी पढ़ रहा था, हम लोगों को समझाते भाई नहीं आएंगे। जिन लोगों के सामने लिपस्टिक लगा के पूरे जिन कुर्सी पे बैठने का शौक है ना, कुर्सी की हवा में, वो लोग नहीं आएंगे। जो कंस्ट्रक्शन कर सकता है, तब सकता है, धूप में तब सकता है ना, वो नेटवर्किंग करता है। एक बात बता देता हूँ, नेटवर्किंग खेल नहीं, बच्चों का तेल निकल जाता है, स्वच्छ होगा। चार आदमी नेटवर्किंग नहीं करता, उसको छोटी तुम्हारे यहाँ पर हमारे ऑफिस में कैंट बनाते हैं लड़के लड़के तुम्हारे, 2-2 लाख के, 1.5-2 लाख के, 25 लाख के, उनकी संख्या 15,000 है, 14,000 तक की उनकी संख्या 15,000 है। क्यों? क्योंकि सुबह आते हैं लिपस्टिक लगा के 10 बजे, फिर आगे हथियार के बैठते हैं, कंप्यूटर के साथ टक 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 एसी चल रहा चले जाते हैं। जो शरीर को स्पर्श नहीं देना चाहते, अपने बच्चों के सपने, अपने परिवार के लिए खुद को पहचाना नहीं चाहते, वो नेटवर्किंग नहीं करते। जो मतलबी संस्कृत लोग होते हैं, सिर्फ अपना आराम, अपना सुख देखते हैं, वो नेटवर्किंग नहीं करते। और जो अपनों का सुख देखते हैं दोस्तों, वो नेटवर्किंग करते हैं, शरीर को स्पर्श देते हैं। तो नेटवर्किंग वही लोग करेंगे जिनको शरीर को स्पर्श दे सकते हैं। तो मेरा एक मैसेज है, शारीरिक दुख को खुद को अपने साथ रख कर जीवन भर सुखी रहो। दूसरा, नेगेटिव खुद को होने मत दो, अपलाइन जो बोले वो करो, ब्लाइंड बिलीव करो अपने अपलाइन पर। और हिंदुस्तान में नहीं, मैं पूरे देश की गारंटी लेता हूँ, 10 टॉप लीडरशिप अपनी तरफ से पास। और उसके बाद आपके लिए हमने प्रोडक्ट ये बना दिया, वायरल बुक, एक अच्छा प्रोडक्ट बनाया आपके लिए। जो अभी कोरोना काल चल रहा है, काफी इफेक्टिव है, काफी फायदा देगा लोगों को। वायरल बुक तो भगवान ने कहा, तो जो इसे पिएगा उसको ये वायरस हो ना, ऐसा हो सकता है अभी ऊपर वाला चाहेगा। बहुत मेहनत करी है, अभी 3 महीने में निकाल पाए हूँ, इससे आनंदी बहुत हुई है, बहुत मेहनत हुई है। और अच्छे नए प्रोडक्ट हम आपके लिए लेके आ रहे हैं, हैंड सैनिटाइजर हम लेके आ रहे हैं, मार्केट हम लोग कैसे ना सकता। जब मुझे लगता है कि देश का कोई ऐसा प्रोडक्ट जिससे मुझे प्राण लाने पैसा भी नहीं बांटना, जिसमें मुझे सिर्फ लोगों की जरूरत पूरी करनी, सैनिटाइजर बताता हूँ, 500 ml का सैनिटाइजर लाओ 240 रुपए में, 240 रुपए में। अरे बात सस्ते महीने से नहीं होती, बात खुद की होती है, प्रिंसिपल की होती है। अगर मैं कुछ ला सकता हूँ तो लाऊंगा। साबुन ला रहा हूँ आपके लिए, ऐसी साबुन एक बार नहाओगे ना बेटा, तो दोबारा दूसरी साबुन यूज नहीं करोगे। ये मैं बोल रहा हूँ, जब आ जाएगी तब मैं दिखा दूंगा, वो पेट पर तुलसी वाला हाल होगा। उसके बाद इम्यूनिटी ड्रॉप लाना चाहते हैं, जिससे कहीं भी इम्यूनिटी ड्रॉप ले लो, आपकी इम्यून सिस्टम को बहुत इनहेंस करेगी। चवन प्रांत ला रहे हैं कंपनी का, हर कल महंगी ला रहे हैं, तो ऐसे बहुत से प्रोडक्ट है मेरे जी जो हम अगले 1 महीने में लॉन्च कर देंगे, सुपर प्रोडक्ट लेके आ रहे हैं। और दूसरा, हम लोग अभी 15 जुलाई से 15 अगस्त तक एक मुहिम चला रहे हैं कि जितनी भी टेक एक्सपी आई डी, चाहे कंपनी से ग्रीन हो, चाहे अपना फ्रेंचाइजी से ग्रीन हो, सबको दो सर्जिकल फ्री प्राइस मास्क हम फ्री देंगे, फ्री। और 52 एचपी पे 3 मास्क फ्री देंगे, और 100 एचपी पे 5 मास्क फ्री देंगे। ये फर्स्ट परचेज होगी और रिपर्चेज होगी, और शुरू करके जाएंगे 15 जुलाई से 15 अगस्त, और 15 अगस्त से 15 सितंबर तक हैंड सैनिटाइजर 27 एचपी 25 ml फ्री लाइफ टाइम, मतलब तब तक ये चलता रहेगा, कोरोना का नहीं, मतलब तब तक चलते रहेंगे। चीजें 5 एचपी 50 ml और 100 एचपी का 100 ml हैंड सैनिटाइजर 15 अगस्त से 15 सितंबर तक फ्री देंगे, फिर 15 सितंबर से 15 अक्टूबर को मास्क फ्री देंगे, फिर 15 अक्टूबर से 15 नंबर सैनिटाइजर फ्री देंगे, फिर 15 नंबर से 15 दिसंबर मास्क फ्री देंगे, फिर 15 दिसंबर 15 जनवरी तक सैनिटाइजर फ्री देंगे। बिल्कुल ये किसी से बात करोगे, हाँ बोलो जनता को लोगों को सही करने का सही पैसा तो कोई नहीं पाया होगा हिंदुस्तान में,
अपने परिवारों से हद से ज्यादा प्यार करता हूँ। अगर मेरा बस चला तो मैं सब जान कर जाऊंगा मर तो ऐसी बस वालों को मुझे एक चीज है, ये प्यार जो हमारे लोगों ने दिया है उसे बना के रखना, सब कुछ करेंगे लोगों के लिए सर। जब अच्छे बन के रहना, झूठे मत बनना, किसी को ठगना मत, किसी के साथ बेईमानी मत करना, किसी को गलत प्लान मत देना, गलत आश्वासन मत देना, गलत वादे मत करना, ईमानदारी से कैसे काम करना, सबकी जीत होती है। और एक छोटा सा मैसेज और है दोस्तों, अपना अपना मोबाइल उठाना इस इंटरव्यू के बाद, सारे नंबर निकालना, आपको बहुत ऐसे नंबर मिलेंगे जिन्हें आज तक आपने प्लान नहीं दिए, जिन्हें आज तक आपने प्रेजेंटेशन नहीं दी, नहीं बता आप क्या करते हो, उन नंबरों पे कॉल करना, अपॉइंटमेंट लेना। मैं कहा जी मैं चाहता हूँ एसलीपीएफ परिवार में मरूर चला, मुझ में है दम, मुझ में है दम। इसके लिए सबसे पहले संजीव कुमार करेगा, मैं हर हफ्ते की तैयारी अपने फिट प्लान देकर निकालूंगा, आप निकालोगे तो फिर सारी जनता भी निकालेगी। मतलब हम कितने लेवल पे, हम कंपनी एम डी है, हम कंपनी क्राउन डायमंड है, हम ब्लू डायमंड है, हम डायमंड है, फ्लोटर है, हम रूबी है, कुछ नहीं है। हम अपनी टीम को भी मेकअप करते हैं, हम टीम को बन रहे हैं, जो काम उठाए थे तो हम दिखता नहीं, हम दिखा एक बार दिखता नहीं देखे तो जनता ने लग गया निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते। तो मैं 100 की स्कोर मैं निकालूंगा हर हफ्ते। तो आज के एप्लीकेशन में मैं चाहूंगा मुहिम चले, आप भी हर हफ्ते उस पर पक्का दिखा लो हम सब को एसपी की एक एक हर हफ्ते निकालेंगे, जनता जीवन जाएगा ये मुझे भी हर दम चलाएंगे। और जो भी 12 हफ्ते तक ये सेल निकालेगा उसके जिस पक्का देंगे, और 12 हफ्ते तक किसने निकाली उसकी लिस्ट, उसका डाटा, मैं रूबी स्टार में निकालू तो 7000 डाटा बनाए, सफाई में निकाले तो 7000 बनाए, डायमंड में निकाले 7000 बनाए, डायमंड बनाए, और क्राउन डायमंड में निकालू तो हंडी बनाएगा, और हंडी में निकालो तो जनता बनाई। मैं ये कहता हूँ कि स्टूडेंट को ही लगाना चाहिए, स्टूडेंट को ही जरूरत है, क्योंकि आज का जो एजुकेशन सिस्टम है वो आपको पता है किस तरीके से कैसे चल रहा है। स्टूडेंट का भविष्य पूरी जिंदगी के सामने पड़ी है। अगर आज 40 साल का आदमी कैरियर लगा रहा है ना, वो कैरियर नहीं है, वो तो बेचारा ठीक है, जो 20 साल बच रहे थोड़ा ठीक ठाक जिंदगी जीने के लिए आ रहा है। लेकिन स्टूडेंट को कैरियर लगाना चाहिए, स्टूडेंट की एनर्जी, स्टूडेंट का टैलेंट, स्टूडेंट की क्रिएटिविटी, स्टूडेंट की मेंटेलिटी, स्टूडेंट का पैशन, स्टूडेंट के पावर, स्टूडेंट के पास जो कुछ है जो हमारे युवा के पास है वो बुद्धि के पास थोड़ी होगा। युवा तो देश का आने वाला भविष्य है, और मैं कहूँगा बहुत युवा से एक बार अपने आप को डायरेक्ट ट्रेनिंग का मौका दो, मैं नहीं कहता बार बार, एक बार मौका दो, एक बार और नहीं सीखो आपको जो हम वाली इंडस्ट्री देगी ना दोस्तों कहीं से नहीं मिलेगा। आप पर्सनैलिटी डेवलपमेंट देंगे, स्किल डेवलपमेंट देंगे, सेल्फ डेवलपमेंट देंगे, मेंटल डेवलपमेंट देंगे, हम आपको ऐसा बना सकती है इंडस्ट्री जैसा आप बड़े से लंदन से पढ़ के आओ ना ऑक्सफोर्ड से तो नहीं बन सकते। आप कितनी अच्छी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में अगर डायरेक्ट सेलिंग की पढ़ाई करो ना तो इतना महसूस कर जाओगे अपने आप को कि आप देश के प्रधानमंत्री तक बनने का विश्वास के अंदर आ जाएगा। ये हमारी एजुकेशन है, ये हमारा परिवार है, ये हमारा एटमोसफेयर है। तो हर स्टूडेंट को मैं कहूँगा भाई हमेशा पहले करके देखो तो सही यार, एक मौका दो, अगर जानती है तो रुकना, नहीं तो फिर निकल जाए। तो
Thank you.